सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर वन सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग भी प्रोवाइड कंदा आहियूं, असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु, त पोइ इंतज़ार छा जो, खणो फोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर शहर में फिर एक बार ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली सामान ग्राहकों को बेचने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की तरफ से दुकानदार पर मामला दर्ज कर लाखों का माल भी जब्त किया गया है। उल्लासनगर के कल्याण अंबरनाथ रोड स्थित हवेली होटल के सामने रोशन तेजवानी चप्पल जूते का व्यवसाय करते हैं। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश जाधव को शिकायत मिली कि रोशन तेजवानी पूमा कंपनी के नाम के बनावटी जूते चप्पल बेचकर ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। इसी शिकायत के आधार पर 28 जनवरी शाम 7 बजे के दरमियान पुलिस ने छापा मारकर वहां से 1,40,700 रुपए के प्यूमा कंपनी के नाम के बनावटी जूते चप्पल जब्त कर रोशन तेजवानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कर जी इस मामले को लेकर क्या बता रहे हैं। दिनांक 28/1/23 को पुलिस उपनिरीक्षक मंगेश जाधव इनके पास आई तकरारकर्ता श्री अरुण गायकवाड़, इन्होंने कंप्लेंट किया था कि प्यूमा कंपनी का चप्पल और शूज ये डुप्लीकेट नाम से विक्री कर रहे। ये जानकारी के अनुसार उन्होंने दो पंच के साथ और बाकी स्टाफ के साथ रोशन फुटवेयर कल्याण अमरनाथ रोड पे छापामारी की। वहाँ पूमा कंपनी के शूज और चप्पल्स ये डुप्लीकेट मिले, उनका नियर अबाउट 1.5 लाख तक का रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। आगे की कार्रवाई चालू है। आरोपी के खिलाफ कलम 426 भादवी और कलम 5163 ट्रेडमार्क एक्ट के मुताबिक और व्यापार चिन्ह अधिनियम के मुताबिक गुना दाखिल किया हुआ है। आगे की कार्रवाई चालू है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।